हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है रूलर तो रूलर फिल्म का जो तेलुगू और हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस

फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लिखे हुए पारचूरी मुरली ने वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर के एस रवि कुमार ने ही दिया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ सी के एंटरटेनमेंट्स और हैप्पी मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास है वहीं पे इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नंदमु बालाकृष्णन आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे वहीं पे प्रकाश राज ने वीरंद, ने टेगोर का का रोल रोल प्ले प्ले किया हुआ प्ले किया हुआ हुआ है है वेदिका इस फिल्म में संध्या सोनल चौहान को हारिका का रोल दिया गया था भूमिका चावला आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्र नाथ टेगोर की बेटी है वहीं पे जया ने इस फिल्म में सरोजनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फाय फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है सैयाजी सिंधे को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागिनेडो ने इस फिल्म में सीता रमैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु मंची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जे की जैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है झांसी ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को भवनी के हैंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड स्कोर दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट से आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे पहला गाना है अदुगंदुंगो एक्शन हीरो पडन था तू थान तीसरा गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को 2019 में ही रिलीज़ करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ सेकंड और ये गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पे इस फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था बाला कृष्णा और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानी कि कृष्णन एक फेमस आईटी मैग्नेट है जो सरजनी प्रसाद यानी कि जयसुदा के जहासुदा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उनकी माँ कुछ मैसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशियन है उन उस, उनकी वजह से बाद में इन सभी चीजों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फिर कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़ भी चीज़ों के पीछे कौन है ये सभी सवालों के जवाब में फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म का जो इंटरवल बैंक क्रिएट किया हुआ है जो इंटरवल पड़ता है वो काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में सेट किया हुआ था फर्स्ट हाफ का एंड अच्छे नोट के साथ डायरेक्टर ने किया हुआ था नंदमुरी कृष्णन का जो एक पोस्ट लुक देखने को मिलता है वो फिल्म का एक शानदार किरदार और शानदार बिग एसेट था बालाकृष्णन को जिस तरह से इस फिल्म में स्टाइल दिया हुआ है अर्जुन प्रसाद के तौर पर वो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आती है इसके अलावा उन्होंने एक एंग्री कोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भुमिक भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी बालाकृष्णन के जो मास डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया सुधा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास ट्रीट देता हुआ नजर आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिसेंट मिनर में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नजर आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नजर आ सकता है नेरेशन थोड़ा पुराना नजर आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नज़र आ सकते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज कृष्णा ने पूरी तरह से इस फिल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी तो ये फेन ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी पब्लिक जो बाला कृष्णन को पसंद करती है जो कोई ऑडियंस है जो बाला कृष्णन का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आई है ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वो काफी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क की था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशन से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बालाकृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोप ऑफ करने की जरूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पे बालाकृष्णा ने जिस तरह से एक पोस्ट लुक डिजाइन किया हुआ है उनका नजर आ रहा था डायरेक्टर रवि कुमार ने इस फिल्म के साथ, साथ बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो बाला कृष्ण का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी चीजें एक्शन सीक्वेंस वो सभी चीजें बढ़िया थी तो अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या बाला कृष्ण के फैन हो मास फिल्में देखना पसंद है स्टोरी आपको चल जाएगी रूटीन प्रिडिक्टेबल तो ये फिल्म देख सकते हो इस फिल्म को रिलीज किया गया था करीबन 20 दिसंबर 2019 को तेलुगु लैंग्वेज में तो जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को करीबन 424 वोट मिले हुए आई पे जिसमें तीन पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे रूरल फिल्म रूरल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बिलो एवरेज कलेक्शन करके दिखाया अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो तेलुगु वर्जन के जो ओ टी टी राइड्स है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के बीच में देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये फिल्म आपको ऑफिशियली रूलर नाम के साथ जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोल माइन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न चैनल गोलमाइंस के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपको इस फिल्म को

वहीं पे यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली गोलमांस के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा जहां पे रूलर नाम के साथ इसको एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से रूलर फिल्म का आप ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो रूलर जो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ के एस रवि कुमार ने फिल्म का स्टोरी आईडिया और डायलॉग्स लिखे हुए पारचूरी मुरली ने वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर के एस रवि कुमार ने ही दिया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ सी के एंटरटेनमेंट्स और हैप्पी मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को एक सौ पचास मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नंदमु बालाकृष्णन आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे वहीं पे प्रकाश राज ने राजनाथ टागोर टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है है वेदिका ने इस फिल्म में संध्या का रोल प्ले किया हुआ है। सोनल चौहान को हरिका का रोल दिया गया था भूमिका चावला आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्र नाथ टेगोर की बेटी है वहीं पे जया ने इस फिल्म में सरोजनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फा फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है सैयाजी शिंदे को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागी नेडू ने इस फिल्म में सीता रामैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु कारू मंची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जेकी चैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है झांसी ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को थ के हेंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट से वो आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहां पे पहला गाना है अदुगंदुंगो एक्शन हीरो पडन था तीसरा गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को दो में ही रिलीज करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ कांड और ये गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पे इस फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था बाला कृष्णा और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानी कि बाला कृष्णन एक फेमस आई मैग्नेट है जो सरोजनी प्रसाद यानी कि जयसुदा के सुधा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उसकी माँ कुछ मैसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशन है उन उस, उनकी वजह से बाद में इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फिरोशियस कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़-पी चीज़ों के पीछे कौन है

इसके अलावा उन्होंने एक एंग्री कोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी बालाकृष्णन के जो मास्ट डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया जयासुदा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफी ब्यूटीफुल नजर आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास मास्ट्रीट देता हुआ नज़र आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिस मिनर में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नजर आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नजर आ सकता है नेरेशन थोड़ा पुराना नज़र आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नजर आ सकते तो ये सभी चीजें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज बाला कोशिश की हुई थी तो ये, ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी पब्लिक जो बाला कृष्णन को पसंद करती है जो कोई ऑडियंस है जो बाला कृष्णा का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आएगी ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वो काफी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क की था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशन से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बालाकृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोप ऑफ करने की जरूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पे बाला ने जिस तरह से एक पोस्ट लुक किया हुआ है, उनका वो काफी ऑर्डिनरी काम किया हुआ है जो से, से वो फिल्म के साथ बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो बाला कृष्णा का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी चीजें एक्शन सीक्वेंस वो सभी चीजें बढ़िया थी तो अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या बाला कृष्णा के फैन हो मास फिल्में देखना पसंद है स्टोरी आपको चल जाएगी रूटीन प्रिडिक्टेबल तो ये फिल्म देख सकते हो इस फिल्म को रिलीज किया गया था करीबन 20 दिसंबर 2019 को तेलुगु लैंग्वेज में तो जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को करीबन 424 वोट मिले हुए आई पे जिसमें 3.4 की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे रूरल फिल्म रूरल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बिलो एवरेज कलेक्शन करके दिखाया अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो तेलुगु वर्जन के जो ओ टी टी राइड्स है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के बीच में देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये फिल्म आपको ऑफिशियली रूलर नाम के साथ जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोल माइन्स के पास है तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पर गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न चैनल गोलमाइन्स के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपको इस फिल्म को

वहीं पे यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली गोल्ड के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा जहाँ पे रूलर नाम के साथ इसको इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से रूलर फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो रूलर जो दो की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है एस रवि कुमार ने फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लिखे हुए पारचूरी मुरली ने वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर के एस रवि कुमार ने ही दिया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ सी के और हैप्पी मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास पास की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नंदमुरी बालाकृष्णन आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे वहीं पे प्रकाश राज ने वीरेंद्र नाथ टागोर टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है वेदिका ने इस फिल्म में संध्या का रोल प्ले किया हुआ है सोनल चौहान को हारिका का रोल दिया गया था भूमिका चावला आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्र नाथ टेगोर की बेटी है वहीं पे जया सुदान ने इस फिल्म में सरोजिनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फाइ फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है सैयाजी सिंधे को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागीनेडू ने इस फिल्म में सीतारामैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु मंची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जेकी चैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है झांसी ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को भवनी के हैंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट से वो आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे पहला गाना है अदुगंदुंगो एक्शन हीरो पडन था तू थान तीसरा गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को 2019 में ही रिलीज करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ सेकंड और ये गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पे इस फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था बाला कृष्णा और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानी कि बाला कृष्णन एक फेमस आई टी है जो सरोजनी प्रसाद यानी कि जयसुदा के सुधा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उनकी माँ कुछ मैसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशन है उन उस उनकी वजह से बाद में इन सभी चीजों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फिर कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़ चीजों के पीछे कौन है ये सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म का जो इंटरवल बैंक हुआ है जो इंटरवल में मिलता है वो फिल्म का एक शानदार किरदार और शानदार बिग एसेट था बाला कृष्णा को जिस तरह से इस फिल्म में स्टाइल दिया हुआ है अर्जुन प्रसाद के तौर पर वो सभी चीज़ें अच्छी नजर आती है इसके अलावा उन्होंने एक एंग्री कोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भुमिक भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी बालाकृष्णन के जो मास डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया सुधा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास ट्रीट देता हुआ नजर आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिसेंट मिनर में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नज़र आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नज़र आ सकता है नेरेशन थोड़ा पुराना नज़र आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नज़र आ सकते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज बालाकृष्णन ने पूरी तरह से इस फिल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी तो ये फैन ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी पब्लिक जो बालाकृष्णन को पसंद करती है जो कोई ऑडियंस है जो कृष्णा का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आएगी। ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वह काफ़ी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क की था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशंस से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बालाकृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोप ऑप करने की जरूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पर बालाकृष्णा ने जिस तरह से एक पोस्ट लुक डिज़ाइन किया हुआ है उनका वो काफ़ी बढ़िया था डिज़ाइनर ने जो कॉप लुक तैयार किया था वो बेटर कर सकते थे वो काफ़ी बेकार नजर आ रहा था डायरेक्टर रवि कुमार ने इस फिल्म के साथ एक ऑर्डिनरी काम किया हुआ है इमोशनल जो सीन्स थे इमोशंस थे वो फिल्म के साथ बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो बालकृष्ण का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी एक्शन सिक्वेंस तो ओवरऑल और और अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या कृष्णा के फैन हो फिल्में देखना पसंद है आपको चल जाएगी, तो ये फिल्म देख सकते हो। इस फिल्म को रिलीज किया गया था करीबन बीस दिसंबर दो को तेलुगु लैंग्वेज में तो जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्सड काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को करीबन 424 वोट मिले हुए आई पे जिसमें 3.4 की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे रूरल फिल्म रूरल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बिलो एवरेज कलेक्शन करके दिखाया अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो तेलुगु वर्जन के जो ओ टी टी राइड्स है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के बीच में देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये फिल्म आपको ऑफिशियली रूलर नाम के साथ जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोल के पास है तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न चैनल गोलमाइन्स के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपको इस फिल्म को

वहीं पे यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली गोल्ड के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा जहाँ पे रूलर नाम के साथ इसको इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से रूलर फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो रूलर जो दो की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ के एस रवि कुमार ने फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लिखे हुए पारचूरी मुरली ने वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर के एस रवि कुमार ने ही दिया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ सीके एंटरटेनमेंट्स और हैप्पी मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नंदमुरी बालाकृष्णन आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे वहीं पे प्रकाश राज ने वीरंद वीरेंद्र नाथ टागोर टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है वेदिका ने इस फिल्म में संध्या का रोल सुधाने सुधाने प्ले, प्ले किया हुआ है सोनल चौहान को हारिका का रोल दिया गया था भूमिका चावल आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी है वहीं पे जया सुधा ने इस फिल्म में सरोजनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है सैया जी को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागी नेडो ने इस फिल्म में सीता रमैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु मंची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जेकी चैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है झांसी ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को भवनी के हैंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट quer dar play que é साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट से आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहां पे पहला गाना है अधगुंगो एक्शन हीरो तो थानदू तीसरा गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को दो में ही रिलीज करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ सेकंड और ये गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पे इस फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था बाला कृष्णा और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानी कि बालाकृष्णन एक फेमस आई टी है जो सरोजनी प्रसाद यानी कि जयसुदा के सुधा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उनकी माँ कुछ मैसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशन है उन उस उनकी वजह से बाद में इन सभी चीजों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फिरोशियस कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़ भी चीज़ों के पीछे कौन है ये सभी सवालों के जवाब में फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म का जो इंटरवल बैंक क्रिएट किया हुआ है जो इंटरवल पड़ता है वो काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में सेट किया हुआ था फर्स्ट हाफ का एंड अच्छे नोट के साथ डायरेक्टर ने किया हुआ था नंदमुरी बाला कृष्णन का जो एक पोस्ट लुक देखने को मिलता है वो फिल्म का एक शानदार किरदार और शानदार बिग एसेट था बालाकृष्णन को जिस तरह से इस फिल्म में स्टाइल दिया हुआ है अर्जुन प्रसाद के तौर पे वो सभी चीज़ें अच्छी नजर आती है इसके अलावा उन्होंने एक एंग्री कोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भुमिक भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी बालाकृष्णन के जो मास डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया सुधा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास ट्रीट देता हुआ नजर आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिसेंट मिनर में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नजर आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नजर आ सकता है नरेशन थोड़ा पुराना नजर आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नज़र आ सकते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज बालाकृष्णन ने पूरी तरह से इस फिल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी तो ये फैन ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी पब्लिक जो बालाकृष्णन को पसंद करती है जो कोई ऑडियंस है जो बालाकृष्णन का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आएगी ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वह काफी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क की था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशन से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बालाकृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोप ऑफ करने की जरूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पे बाल कृष्णन ने जिस तरह से एक पोस्ट लुक डिजाइन किया हुआ है उनका वो काफी बढ़िया था डिजाइनर ने जो कॉप लुक तैयार किया था वो बेटर कर सकते थे वो काफी बेकार नजर आ रहा था डायरेक्टर रवि कुमार ने इस फिल्म के साथ एक ऑर्डिनरी काम किया हुआ है इमोशनल जो सीन्स थे इमोशंस थे वो फिल्म के साथ बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो बाल कृष्ण का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी चीज़ें एक्शन सिक्वेंस वो सभी चीज़ें बढ़िया थी तो ओवरऑल अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या बाल कृष्ण के फैन हो मास फिल्में देखना पसंद है स्टोरी आपको चल जाएगी रूटीन प्रिडिक्टेबल तो ये फिल्म देख सकते हो इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन बीस दिसंबर दो को तेलुगु लैंग्वेज में तो जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को करीबन 424 वोट मिले हुए आई पे जिसमें 3.4 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से जहाँ पे रूरल फिल्म रूरल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बिलो एवरेज कलेक्शन करके दिखाया अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो तेलुगु वर्जन के जो ओ टी टी राइड्स है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के बीच में देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये फिल्म आपको ऑफिशियली रूलर नाम के साथ जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोल के पास है तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न चैनल गोलमाइंस के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपको इस फिल्म को

वहीं पे वो, पे इस फिल्म को ऑफिशियली गोल्ड के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा जहाँ पे रूलर नाम के साथ इसको इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से रूलर फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो रूलर जो दो की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है के एस रवि कुमार ने फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लिखे हुए पारचूरी मुरली ने वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर के एस रवि कुमार ने ही दिया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ सीके एंटरटेनमेंट्स और हैप्पी मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नंदमुरी बालाकृष्णन आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे वहीं पे प्रकाश राज ने वीरेंद्र नाथ टागोर टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है वेदिका ने इस फिल्म में संध्या का रोल प्ले किया हुआ है सोनल चौहान को हारिका का रोल दिया गया था भूमिका चावला आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्र नाथ टेगोर की बेटी है वहीं पे जया ने इस फिल्म में सरोजिनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फाइ फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है सैयाजी सिंधे को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागिनेडू ने इस फिल्म में सीता रमैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु मंची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जे की जैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है झांसी ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को भवनी के हैंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड स्कोर दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट से आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे पहला गाना है अधुगंधुंगो एक्शन हीरो पडन था तू थान तीसरा गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को 2019 में ही रिलीज़ करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ सेकंड और ये गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पे इस फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था बाला कृष्णा और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में बाइन फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानी कि बालाकृष्णन एक फेमस आई टी है जो सरोजनी प्रसाद यानी कि जयसुदा के सुधा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उनकी माँ कुछ मैसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशन है उन उस, उनकी वजह से बाद में इन सभी चीजों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फिर कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़ भी चीज़ों के पीछे कौन है ये सभी सवालों के जवाब में फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म का जो इंटरवल बैंक क्रिएट किया हुआ है जो इंटरवल पड़ता है वो काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में सेट किया हुआ था फर्स्ट हाफ का एंड अच्छे नोट के साथ डायरेक्टर ने किया हुआ था नंदमुरी कृष्णन का जो एक पोस्ट लुक देखने को मिलता है वो फिल्म का एक शानदार किरदार और शानदार बिग एसेट था बालाकृष्णन को जिस तरह से इस फिल्म में स्टाइल दिया हुआ है अर्जुन प्रसाद के तौर पर वो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आती है इसके अलावा उन्होंने एक एंग्री कोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भुमिक भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी बालाकृष्णन के जो मास डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया सुधा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास ट्रीट देता हुआ नजर आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिसेंट मिनर में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नज़र आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नजर आ सकता है नेरेशन थोड़ा पुराना नजर आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नज़र आ सकते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज कृष्णा ने पूरी तरह से इस फिल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी तो ये फेन ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी पब्लिक जो बाला कृष्णन को पसंद करती है जो कोई ऑडियंस है जो बाला कृष्णन का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आई है ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वो काफी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क की था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशन से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से कृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोप ऑफ करने की जरूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पे बालाकृष्णा ने जिस तरह से एक पोस्ट लुक डिजाइन किया हुआ है उनका वो काफी बढ़िया था डिजाइनर ने जो कॉप लुक तैयार किया था वो बेटर कर सकते थे वो काफी बेकार नजर आ रहा था डायरेक्टर रवि कुमार ने इस फिल्म के साथ एक ऑर्डिनरी काम किया हुआ है इमोशनल जो सीन्स थे इमोशंस थे वो फिल्म के साथ बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो बालकृष्ण का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी चीजें एक्शन सिक्वेंस वो सभी चीजें बढ़िया थी तो अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या बाला कृष्णा के फैन हो मास फिल्में देखना पसंद है स्टोरी आपको चल जाएगी रूटीन प्रिडिक्टेबल तो ये फिल्म देख सकते हो इस फिल्म को रिलीज किया गया था करीबन 20 दिसंबर 2019 को तेलुगु लैंग्वेज में तो जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को करीबन 424 वोट मिले हुए आई पे जिसमें तीन पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे रूरल फिल्म रूरल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बिलो एवरेज कलेक्शन करके दिखाया अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी टी के ऊपर तो तेलुगु वर्जन के जो ओ टी टी है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के बीच में देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये फिल्म आपको ऑफिशियली रूलर नाम के साथ जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा विथ इंग्लिश सब इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोल्ड के पास है तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविजन चैनल गोलमाइंस के ही टेलीविजन चैनल के ऊपर आपको इस फिल्म को ऑफिशियली फ्री में रूलर नाम से देख सकते हो हिंदी डब्ड वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि रूलर फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स प्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्सन वहीं पर फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स गोल के पास है जहाँ पे ये फिल्म आप टेलीविजन पे गोल के टेलीविजन चैनल के ऊपर सेम नाम यानी कि रूलर नाम के साथ हिंदी डब में इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली गोलमाइंस के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा जहां पे रूलर नाम के साथ इसको एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से रूलर फिल्म का आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो रूलर जो 2019 की तेलुगू लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है के रवि कुमार ने फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लिखे हुए पारचूरी मुरली ने वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर के एस रवि कुमार ने ही दिया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ सी के और हैप्पी मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास पास की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड की बात करें तो नंदमोरी बालाकृष्णन आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे वहीं पे प्रकाश राज ने वीर वीरेंद्र नाथ टागोर टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है वेदिका ने इस फिल्म में संध्या का रोल प्ले किया हुआ है सोनल चौहान को हरिका का रोल दिया गया था भूमिका चावला आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्र टैगोर की बेटी है वहीं पे जया ने इस फिल्म में सरोजनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टैगोर का रोल प्ले किया हुआ है जी सिंधे को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागि नेडो ने इस फिल्म में सीता रमैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु कारूमची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जेकी चैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है झांसी ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को भवनी के हैंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपोर्टेंट Que dar play que é o web साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट से वो आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहां पे पहला गाना है अधगुंगो एक्शन हीरो पडन था तीसरा गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को दो में रिलीज करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पर फिल्म का जो सेकंड स्टेड्यूल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कम्प्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था कृष्णा और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानी कि बालाकृष्णन एक फेमस आई टी है जो सरजनी प्रसाद यानी कि जयसुदा के सुधा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उनकी माँ कुछ मैसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशन है उन उस उनकी वजह से बाद में इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फिर कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़ भी चीज़ों के पीछे कौन है ये सभी सवालों के जवाब में फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म का जो इंटरवल बैंक क्रिएट किया हुआ है जो इंटरवल पड़ता है वो काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में सेट किया हुआ था फर्स्ट हाफ का एंड अच्छे नोट के साथ डायरेक्टर ने किया हुआ था नंदमुरी बाला कृष्णन का जो एक पोस्ट लुक देखने को मिलता है वो फिल्म का एक शानदार किरदार और शानदार बिग एसेट था बालाकृष्णन को जिस तरह से इस फिल्म में स्टाइल दिया हुआ है अर्जुन प्रसाद के तौर पे वो सभी चीज़ें अच्छी नजर आती है इसके अलावा उन्होंने एक एंग्री कोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भुमिक भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी बालाकृष्णन के जो मास डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया सुधा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास ट्रीट देता हुआ नजर आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिसेंट मिनर में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नज़र आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नजर आ सकता है नेरेशन थोड़ा पुराना नजर आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नज़र आ सकते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज बालाकृष्णन ने पूरी तरह से इस फिल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी तो ये फैन ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी पब्लिक जो बालाकृष्णन को पसंद करती है जो कोई ऑडियंस है जो बाला कृष्णा का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आएगी ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वह काफी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क की था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशन से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बालाकृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोप ऑफ करने की जरूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पे बालाकृष्णन ने जिस तरह से एक पोस्ट लुक डिजाइन किया हुआ है उनका वो काफी बढ़िया था डिजाइनर ने जो कॉप लुक तैयार किया था वो बेटर कर सकते थे वो काफी बेकार नजर आ रहा था डायरेक्टर रवि कुमार ने इस फिल्म के साथ एक ऑर्डिनरी काम किया हुआ है इमोशनल जो सीन्स थे इमोशंस थे वो फिल्म के साथ बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो कृष्ण का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी चीज़ें एक्शन सीक्वेंस वो सभी चीज़ें बढ़िया थी तो ओवरऑल अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या कृष्ण के फैन हो मास फिल्में देखना पसंद है स्टोरी आपको चल जाएगी रूटीन प्रिडिक्टेबल तो ये फिल्म देख सकते हो रूलर जो दो की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ के एस रवि कुमार ने फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लिखे हुए सी के, के, तो के एंटरटेनमेंट्स और हैप्पी मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नंदमुरी बालाकृष्णन आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे वहीं पे प्रकाश राज ने वीरद वीरेंद्र नाथ टागोर टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है वेदिका ने इस फिल्म में संध्या का रोल प्ले किया हुआ है सोनल चौहान को हारिका का रोल दिया गया था भूमिका चावल आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी है वहीं पे जया सुदान इस फिल्म में सरोजनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है सैया जी को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागी नेडो ने इस फिल्म में सीता रमैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु कारुमंची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जेकी चैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है झांसी ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को भवनी के हेंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट کړدار پلے کیو وے साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट से वो आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहां पे पहला गाना है अधगुंगो एक्शन हीरो पडन था तीसरा गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को दो में ही रिलीज करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ कांड और ये गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पे इस फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था बाला कृष्णा और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानी कि बाला कृष्णन एक फेमस आई टी है जो सरोजनी प्रसाद यानी कि जय के सुधा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उनकी माँ कुछ मैसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशन है उन उस उनकी वजह से बाद में इन सभी चीजों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फिर कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़-पी चीज़ों के पीछे कौन है ये सभी सवालों के जवाब में फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म का जो इंटरवल बैंक क्रिएट किया हुआ है जो इंटरवल पड़ता है वो काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में सेट किया हुआ था फर्स्ट हाफ का एंड अच्छे नोट के साथ डायरेक्टर ने किया हुआ था नंदमुरी बाला कृष्णन का जो एक पोस्ट लुक देखने को मिलता है वो फिल्म का एक शानदार किरदार और शानदार बिग एसेट था बालाकृष्णन को जिस तरह से इस फिल्म में स्टाइल दिया हुआ है अर्जुन प्रसाद के तौर पे वो सभी चीज़ें अच्छी नजर आती है इसके अलावा उन्होंने एक एंग्री कोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी कृष्णन के जो मास डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया सुधा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास ट्रीट देता हुआ नजर आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिसेंट मिनर में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नजर आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नजर आ सकता है नेरेशन थोड़ा पुराना नज़र आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नज़र आ सकते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज कृष्णा ने पूरी तरह से इस फिल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी तो ये फेन ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी जो बाला को पसंद करती है, जो कोई ऑडियंस है जो बाला कृष्णा का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आएगी। ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वो काफी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क की था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशन से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बालाकृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोप ऑफ करने की जरूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन जो टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पे बाल कृष्णन ने जिस तरह से एक पोस्ट लुक डिजाइन किया हुआ है उनका वो काफी बढ़िया था डिजाइनर ने जो कप लुक तैयार किया था वो बेटर कर सकते थे वो काफी बेकार नजर आ रहा था डायरेक्टर रवि कुमार ने इस फिल्म के साथ एक ऑर्डिनरी काम किया हुआ है इमोशनल जो सीन्स थे इमोशंस थे वो फिल्म के साथ बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो कृष्ण का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी चीज़ें एक्शन सीक्वेंस वो सभी चीज़ें बढ़िया थी तो ओवरऑल अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या कृष्ण के फैन हो मास फिल्में देखना पसंद है स्टोरी आपको चल जाएगी रूटीन प्रिडिक्टेबल तो ये फिल्म देख सकते हो इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन बीस दिसंबर दो को तेलगु लैंग्वेज में तो जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को करीबन 424 वोट मिले हुए वो आईएमडीबी पे जिसमें 3.4 की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे रूरल फिल्म रूरल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बिलो एवरेज कलेक्शन करके दिखाया अब हम बात करें इस फिल्म के ओटीटी सैटेलाइट्स के ऊपर तो तेलुगु वर्जन के जो ओ टी टी राइड्स है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के बीच में देखने को मिलेंगे जहाँ पे फिल्म आपको ऑफिशियली रूलर नाम के साथ जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोल के पास है तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न चैनल गोलमाइंस के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपको इस फिल्म को

वहीं पे यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली गोल के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा जहाँ पे रूलर नाम के साथ इसको इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से रूलर फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो रूलर जो दो की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ के एस रवि कुमार ने फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लिखे हुए पारचूरी मुरली ने वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर के एस रवि कुमार ने ही दिया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ सीके एंटरटेनमेंट्स और हैप्पी मूवीज़ प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूज़िक के राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास है वहीं पर इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को एक सौ पचास मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नंदमु बालाकृष्णन आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे वहीं पे प्रकाश राज ने ने वीरंद टेगोर का का रोल रोल प्ले प्ले किया हुआ प्ले किया हुआ हुआ है है वेदिका इस फिल्म में संध्या सोनल चौहान को हारिका का रोल दिया गया था भूमिका चावला आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्र नाथ टेगोर की बेटी है वहीं पे जया सुधा ने इस फिल्म में सरोजिनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है सैयाजी शिंदे को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागि नेहडू ने इस फिल्म में सीतारामैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु कारू मंची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जेकी चैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है झांसी ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को नाथ के हेंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया हुआ है यह फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट से वो आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहां पे पहला गाना है अधगुंगो एक्शन हीरो पडन था थानदू तीसरा गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को दो में ही रिलीज करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ सेकंड और ये गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पे इस फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था बाला कृष्णा और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानी कि बाला कृष्णन एक फेमस आई टी है जो सरोजनी प्रसाद यानी कि जयसुदा के सुधा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उनकी माँ कुछ मैसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशन है उन उस, उनकी वजह से बाद में इन सभी चीजों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फिर कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़ भी चीज़ों के पीछे कौन है ये सभी सवालों के जवाब में फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म का जो इंटरवल बैंक क्रिएट किया हुआ है जो इंटरवल पड़ता है वो काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में सेट किया हुआ था फर्स्ट हाफ का एंड अच्छे नोट के साथ डायरेक्टर ने किया हुआ था नंदमुरी कृष्णन का जो एक पोस्ट लुक देखने को मिलता है वो फिल्म का एक शानदार किरदार और शानदार बिग एसेट था बालाकृष्णन को जिस तरह से इस फिल्म में स्टाइल दिया हुआ है अर्जुन प्रसाद के तौर पर वो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आती है इसके अलावा उन्होंने एक एंग्री कोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी बालाकृष्णन के जो मास डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया सुधा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास ट्रीट देता हुआ नजर आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिसेंट मिनर में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नजर आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नजर आ सकता है नेरेशन थोड़ा पुराना नज़र आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नज़र आ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज कृष्णा ने पूरी तरह से इस फिल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी तो ये फेन ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी जो बाला को पसंद करती है, जो कोई ऑडियंस है जो बाला कृष्ण का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आई है ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वो काफी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क की था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशन से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बालाकृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोप ऑफ करने की जरूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पे बालाकृष्ण ने जिस तरह से सकते थे वो काफी बेकार नजर आ रहा था डायरेक्टर रवि कुमार ने इस फिल्म के साथ एक ऑर्डिनरी काम किया हुआ है। इमोशनल जो से, से वो फिल्म के साथ बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो बाला कृष्णा का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी चीजें एक्शन सीक्वेंस वो सभी चीजें बढ़िया थी तो अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या कृष्णा के फैन हो मास फिल्में देखना पसंद है स्टोरी आपको चल जाएगी रूटीन तो ये फिल्म देख सकते हो इस फिल्म को रिलीज किया गया था करीबन 20 दिसंबर 2019 को तेलगु लैंग्वेज में तो जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को करीबन 424 वोट मिले हुए आई पे जिसमें 3.4 की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे रूरल फिल्म रूरल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे बिलो एवरेज कलेक्शन करके दिखाया अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो तेलुगु वर्जन के जो ओ टी टी राइड्स है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के बीच में देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप फिल्म आपको ऑफिशियली रूलर नाम के साथ जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न चैनल गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपको इस फिल्म को

वहीं पे यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली गोल्ड के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा जहाँ पे रूलर नाम के साथ इसको इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से रूलर फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो रूलर जो दो की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है एस रवि कुमार ने फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लिखे हुए पारचूरी मुरली ने वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर के एस रवि कुमार ने ही दिया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ सी के एंटरटेनमेंट्स और हैप्पी मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास पास की देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नंद बाला आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे। वहीं पे प्रकाश राज ने वीरेंद्र नाथ टागोर टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है वेदिका ने इस फिल्म में संध्या का रोल प्ले किया हुआ है सोनल चौहान को हारिका का रोल दिया गया था भूमिका चावला आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्रनाथ टेगोर की बेटी है वहीं पे जया सुधा ने इस फिल्म में सरोजिनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फाइ फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है सैयाजी सिंधे को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागी नेडू ने इस फिल्म में सीता रमैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु कारूमची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जेकी चैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है झांसी ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को भवनी के हैंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट से वो आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहां पे पहला गाना है अदुगंदुंगो एक्शन हीरो पडन था तीसरा गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को दो में ही रिलीज करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ कांड और ये गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पे इस फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था बाला कृष्णा और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानी कि बाला कृष्णन एक फेमस आई टी है जो सरोजनी प्रसाद यानी कि जय के जयाशुदा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उनकी माँ कुछ मैसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशन है उन उस उनकी वजह से बाद में इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फिरोशियस कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़ भी चीज़ों के पीछे कौन है

इसके अलावा उन्होंने एक एंग्री कोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भुमिक भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी बालाकृष्णन के जो मास डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया सुधा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास ट्रीट देता हुआ नजर आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिसेंट मिनर में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नजर आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नजर आ सकता है नेरेशन थोड़ा पुराना नजर आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नज़र आ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज कृष्णा ने पूरी तरह से इस फिल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी तो ये फेन ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी पब्लिक जो बाला कृष्णन को पसंद करती है जो कोई ऑडियंस है जो बाला कृष्णन का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आएगी। ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वो काफ़ी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क की था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशंस से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बालाकृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोप ऑफ करने की जरूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पे पर कृष्णन ने जिस तरह से एक पोस्ट लुक डिज़ाइन किया हुआ है उनका वो काफ़ी बढ़िया था डिज़ाइनर ने जो कॉप लुक तैयार किया था वो बेटर कर सकते थे वो काफ़ी बेकार नजर आ रहा था डायरेक्टर रवि कुमार ने इस फिल्म के साथ एक ऑर्डिनरी काम किया हुआ है इमोशनल जो सीन्स थे इमोशंस थे वो फिल्म के साथ बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो बालाकृष्णा का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी चीज़ें एक्शन सीक्वेंस वो सभी चीज़ें बढ़िया थी तो ओवरऑल अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या बालकृष्णा के फैन हो मास फिल्में देखना पसंद है स्टोरी आपको चल जाएगी रूटीन प्रिडिक्टेबल तो ये फिल्म देख सकते हो इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन बीस दिसंबर दो को तेलुगु लैंग्वेज में तो जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को करीबन 424 वोट मिले हुए वो आई पे जिसमें 3.4 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से जहाँ पे रूरल फिल्म रूरल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बिलो एवरेज कलेक्शन करके दिखाया अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो तेलुगु वर्जन के जो ओ टी टी राइड्स है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के बीच में देखने को मिलेंगे जहाँ पे फिल्म आपको ऑफिशियली रूलर नाम के साथ जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोल के पास है तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न चैनल गोलमाइन्स के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपको इस फिल्म को

वहीं पे यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली गोल्ड के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा जहाँ पे रूलर नाम के साथ इसको इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से रूलर फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो रूलर जो दो की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया के एस रवि कुमार ने फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लिखे हुए पारचूरी मुरली ने वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर के एस रवि कुमार ने ही दिया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ सीके एंटरटेनमेंट्स और हैप्पी मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को एक सौ पचास मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नंदमु बालाकृष्णन आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे वहीं पे प्रकाश राज ने ने वीरंद टेगोर का का रोल रोल प्ले प्ले किया हुआ प्ले किया हुआ हुआ है है वेदिका इस फिल्म में संध्या सोनल चौहान को हारिका का रोल दिया गया था भूमिका चावला आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्र नाथ टेगोर की बेटी है वहीं पे जया सुधान ने इस फिल्म में सरोजिनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फाय फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है सैयाजी सिंधे को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागिनेडो ने इस फिल्म में सीतारामैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु मंची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जेकी चैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है झांसी ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को भवनी के हैंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का, का रोल प्ले किया हुआ है यह फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट से वो आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहां पे पहला गाना है अधगुंगो एक्शन हीरो पडन था तीसरा गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को दो में ही रिलीज करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ कांड और ये गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पे इस फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था कृष्णा और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानी कि बाला एक फेमस आई टी है जो सरोजनी प्रसाद यानी कि जयसुदा के सुधा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उनकी माँ कुछ मैसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशन है उन उस उनकी वजह से बाद में इन सभी चीजों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फिरोशियस कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़-पी चीज़ों के पीछे कौन है ये सभी सवालों के जवाब में फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म का जो इंटरवल बैंक क्रिएट किया हुआ है जो इंटरवल पड़ता है वो काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में सेट किया हुआ था फर्स्ट हाफ का एंड अच्छे नोट के साथ डायरेक्टर ने किया हुआ था नंदमुरी बाला कृष्णन का जो एक पोस्ट लुक देखने को मिलता है वो फिल्म का एक शानदार किरदार और शानदार बिग एसेट था बालाकृष्णन को जिस तरह से इस फिल्म में स्टाइल दिया हुआ है अर्जुन प्रसाद के तौर पे वो सभी चीज़ें अच्छी नजर आती है इसके अलावा उन्होंने एक एंग्री कोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भुमिक भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी बालाकृष्णन के जो मास डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया सुधा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास ट्रीट देता हुआ नजर आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिस में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नजर आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नजर आ सकता है नेरेशन थोड़ा पुराना नज़र आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नजर आ सकते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज बालाकृष्णन ने पूरी तरह से इस फिल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी तो ये फैन ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी पब्लिक जो बालाकृष्णन को पसंद करती है जो कोई ऑडियंस है जो बालाकृष्णन का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आएगी ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वो काफी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क ही था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशन से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बालाकृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोप ऑफ करने की जरूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पे बाल कृष्णन ने जिस तरह से एक पोस्ट लुक डिजाइन किया हुआ है उनका वो काफी बढ़िया था डिजाइनर ने जो कप लुक तैयार किया था वो बेटर कर सकते थे वो काफी बेकार नजर आ रहा था डायरेक्टर रवि कुमार ने इस फिल्म के साथ एक ऑर्डिनरी काम किया हुआ है इमोशनल जो सीन्स थे इमोशंस थे वो फिल्म के साथ बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो बालकृष्ण का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी चीज़ें एक्शन सीक्वेंस वो सभी चीज़ें बढ़िया थी तो ओवरऑल अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या बालकृष्णा के फैन हो मास फिल्में देखना पसंद है स्टोरी आपको चल जाएगी रूटीन प्रिडिक्टेबल तो ये फिल्म देख सकते हो इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन बीस दिसंबर दो को तेलुगु लैंग्वेज में तो जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को करीबन 424 वोट मिले हुए आई पे जिसमें 3.4 की रेटिंग हासिल हुई है 10 में से जहाँ पे रूरल फिल्म रूरल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बिलो एवरेज कलेक्शन करके दिखाया अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो तेलुगु वर्जन के जो ओ टी टी राइड्स है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के बीच में देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये फिल्म आपको ऑफिशियली रूलर नाम के साथ जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोल के पास है तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोलमाइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न चैनल गोलमाइंस के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपको इस फिल्म को

वहीं पे यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली गोल्ड के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा जहाँ पे रूलर नाम के साथ इसको इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से रूलर फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो रूलर जो दो की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है के एस रवि कुमार ने फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लिखे हुए पारचूरी मुरली ने वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर के एस रवि कुमार ने ही दिया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ सी के और हैप्पी मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास पास की देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नंदमु बालाकृष्णन आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे वहीं पे प्रकाश राज ने ने वीरंद टेगोर का का रोल रोल प्ले प्ले किया हुआ प्ले किया हुआ हुआ है है वेदिका इस फिल्म में संध्या सोनल चौहान को हारिका का रोल दिया गया था भूमिका चावला आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्र नाथ टेगोर की बेटी है वहीं पे जया ने इस फिल्म में सरोजनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फाय फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है सैयाजी सिंधे को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागिनेडो ने इस फिल्म में सीता रमैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु कारूमची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जेकी चैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है झांसी ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को भवनी के हैंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपोर्टेंट किरदार किए हुए के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड स्कोर दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट से वो आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे पहला गाना है अदुगंदुंगो एक्शन हीरो पडन था तू थान तीसरा गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को 2019 में ही रिलीज करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ सेकंड और ये गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पे इस फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था बाला कृष्णा और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में बाइन फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानी कि बालाकृष्णन एक फेमस आई टी है जो सरजनी प्रसाद यानी कि जयसुदा के सुधा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उनकी माँ कुछ मैसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशियन है उन उस उनकी वजह से बाद में इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फिरोशियस कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़ भी चीज़ों के पीछे कौन है

इसके अलावा उन्होंने एक एंग्री कोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भुमिक भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी बालाकृष्णन के जो मास डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया सुधा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास ट्रीट देता हुआ नजर आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिसेंट मिनर में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नजर आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नजर आ सकता है नेरेशन थोड़ा पुराना नज़र आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नज़र आ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज कृष्णा ने पूरी तरह से इस फिल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी तो ये फेन ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी पब्लिक जो बाला कृष्णन को पसंद करती है जो कोई ऑडियंस है जो बाला कृष्णन का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आएगी। ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वो काफी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क की था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशन से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बालाकृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोप ऑफ करने की जरूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पर बालाकृष्णा ने जिस तरह से एक पोस्ट लुक डिजाइन किया हुआ है उनका वो काफी बढ़िया था डिजाइनर ने जो कॉप लुक तैयार किया था वो बेटर कर सकते थे वो काफी बेकार नजर आ रहा था डायरेक्टर रवि कुमार ने इस फिल्म के साथ एक ऑर्डिनरी काम किया हुआ है इमोशनल जो सीन्स इमोशंस वो फिल्म के साथ बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो बाला कृष्णा का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी चीजें एक्शन सीक्वेंस वो सभी चीजें बढ़िया थी तो अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या बाला कृष्णा के फैन हो मास फिल्में देखना पसंद है स्टोरी आपको चल जाएगी रूटीन प्रिडिक्टेबल तो ये फिल्म देख सकते हो इस फिल्म को रिलीज किया गया था करीबन 20 दिसंबर 2019 को तेलुगु लैंग्वेज में तो जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को करीबन 424 वोट मिले हुए आई पे जिसमें 3.4 की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे रूरल फिल्म रूरल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बिलो एवरेज कलेक्शन करके दिखाया अब हम बात करें इस फिल्म के ओ सैटेलाइट्स के ऊपर तो तेलुगु वर्जन के जो ओ टी टी राइड्स है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के बीच में देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये फिल्म आपको ऑफिशियली रूलर नाम के साथ जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोल के पास है तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न चैनल गोलमाइंस के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपको इस फिल्म को

वहीं पे यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली गोल्ड के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा जहाँ पे रूलर नाम के साथ इसको इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से रूलर फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो रूलर जो दो की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ के एस रवि कुमार ने फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लिखे हुए मुरली ने वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म का के डायरेक्टर के रवि कुमार ने ही दिया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ सी के और हैप्पी मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नंदमुरी बालाकृष्णन आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे वहीं पे प्रकाश राज ने वीरंद वीरेंद्र नाथ टागोर टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है वेदिका ने इस फिल्म में संध्या का रोल प्ले किया हुआ है सोनल चौहान को हारिका का रोल दिया गया था भूमिका चावल आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्रनाथ टैगोर की बेटी है वहीं पे जया सुदा ने इस फिल्म में सरोजनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है सैया जी को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागी नेडो ने इस फिल्म में सीता रमैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु मंची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जे की जैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है झांसी ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को भवनी के हैंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट से वो आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहां पे पहला गाना है अधगुंगो एक्शन हीरो पडन था तीसरा गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को दो में रिलीज करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ सेकंड और ये गाने फिलहाल मैं आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पे इस फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था बालाकृष्णा और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानी कि बालाकृष्णन एक फेमस आई टी है जो सरोजनी प्रसाद यानी कि जयसुदा के सुधा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उनकी माँ कुछ मैसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशन है उन उस, उनकी वजह से बाद में इन सभी चीजों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फिर कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़ भी चीज़ों के पीछे कौन है ये सभी सवालों के जवाब में फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म का जो इंटरवल बैंक क्रिएट किया हुआ है जो इंटरवल पड़ता है वो काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में सेट किया हुआ था फर्स्ट हाफ का एंड अच्छे नोट के साथ डायरेक्टर ने किया हुआ था नंदमुरी बाला कृष्णन का जो एक पोस्ट लुक देखने को मिलता है वो फिल्म का एक शानदार किरदार और शानदार बिग एसेट था बालाकृष्णन को जिस तरह से इस फिल्म में स्टाइल दिया हुआ है अर्जुन प्रसाद के तौर पे वो सभी चीजें अच्छी नजर आती है इसके अलावा उन्होंने एक एंग्री कोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भुमिक भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी बालाकृष्णन के जो मास डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया सुधा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास ट्रीट देता हुआ नजर आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिसेंट मिनर में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नज़र आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नजर आ सकता है नेरेशन थोड़ा पुराना नज़र आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नजर आ सकते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज बालाकृष्णन ने पूरी तरह से इस फिल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी तो ये फैन ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी पब्लिक जो बालाकृष्णन को पसंद करती है जो कोई ऑडियंस है जो बालाकृष्णन का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आएगी ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वह काफी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क की था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशन से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बालाकृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोप ऑफ करने की जरूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पर बालाकृष्णा ने जिस तरह से एक पोस्ट लुक डिजाइन किया हुआ है उनका वो काफी बढ़िया था डिजाइनर ने जो लुक तैयार किया था वो बेटर कर सकते थे वो काफी बेकार नजर आ रहा था डायरेक्टर रवि कुमार ने इस फिल्म के साथ एक ऑर्डिनरी काम किया हुआ है इमोशनल जो सीन्स थे इमोशंस थे वो फिल्म के साथ बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो बाला कृष्णा का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी चीजें एक्शन सीक्वेंस वो सभी चीजें बढ़िया थी तो अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या बाला कृष्णा के फैन हो मास फिल्में देखना पसंद है स्टोरी आपको चल जाएगी रूटीन तो ये फिल्म देख सकते हो इस फिल्म को रिलीज किया गया था करीबन 20 दिसंबर 2019 को तेलुगु लैंग्वेज में तो जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को करीबन 424 वोट मिले हुए आई पे जिसमें तीन पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे रूरल फिल्म रूरल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बिलो एवरेज कलेक्शन करके दिखाया अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो तेलुगु वर्जन के जो ओ टी टी राइड्स है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के बीच में देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये फिल्म आपको ऑफिशियली रूलर नाम के साथ जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोलमाइंस के पास है तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोल माइन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न चैनल गोलमाइन्स के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपको इस फिल्म को

वहीं पे यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली गोल्ड के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा जहाँ पे रूलर नाम के साथ इसको इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से रूलर फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो रूलर जो दो की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है के एस रवि कुमार ने फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लिखे हुए पारचूरी मुरली ने वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर के एस रवि कुमार ने ही दिया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ सी के एंटरटेनमेंट्स और हैप्पी मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूज़िक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पर इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को एक सौ पचास मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नंदमु बालाकृष्णन आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे वहीं पे प्रकाश राज ने नेरेंद्राथ टागोर टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है वेदिका ने इस फिल्म में संध्या का रोल प्ले किया हुआ है सोनल चौहान को हारिका का रोल दिया गया था भूमिका चावला आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्र नाथ टेगोर की बेटी है वहीं पे जया सुधान ने इस फिल्म में सरोजनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है सैयाजी सिंधे को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागिनेडो ने इस फिल्म में सीता रमैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु मंची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जेकी चैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है झांसी ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को भवनी के हैंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपोर्टेंट کړدار پلے کیو وے साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट से वो आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहां पे पहला गाना है अधगंदुंगो एक्शन हीरो पडन था तीसरा गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को दो में रिलीज करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ बातचीत करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पर फिल्म का जो सेकंडल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कम्प्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था बाला कृष्णा और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानी कि बालाकृष्णन एक फेमस आई टी है जो सरजनी प्रसाद यानी कि जयसुदा के जहासुदा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उनकी माँ कुछ मैसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशन है उन उस, उनकी वजह से बाद में इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फिर कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़ भी चीज़ों के पीछे कौन है ये सभी सवालों के जवाब में फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म का जो इंटरवल बैंक क्रिएट किया हुआ है जो इंटरवल पड़ता है वो काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में सेट किया हुआ था फर्स्ट हाफ का एंड अच्छे नोट के साथ डायरेक्टर ने किया हुआ था नंदमुरी कृष्णन का जो एक पोस्ट लुक देखने को मिलता है वो फिल्म का एक शानदार किरदार और शानदार बिग एसेट था बालाकृष्णन को जिस तरह से इस फिल्म में स्टाइल दिया हुआ है अर्जुन प्रसाद के तौर पर वो सभी चीज़ें अच्छी नज़र आती है इसके अलावा उन्होंने एक एंग्री कोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भुमिक भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी बालाकृष्णन के जो मास डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया सुधा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास ट्रीट देता हुआ नजर आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिसेंट मिनर में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नज़र आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नजर आ सकता है नेरेशन थोड़ा पुराना नज़र आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नज़र आ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज कृष्णा ने पूरी तरह से इस फिल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी तो ये फेन ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी पब्लिक जो बाला कृष्णन को पसंद करती है जो कोई ऑडियंस है जो बाला कृष्ण का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आई है ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वो काफी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क की था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशन से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बालाकृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोप ऑफ करने की जरूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पे बालाकृष्णा ने जिस तरह से एक पोस्ट लुक डिजाइन किया हुआ है उनका वो काफी बढ़िया था डिजाइनर ने जो कॉप लुक तैयार किया था वो बेटर कर सकते थे वो काफी बेकार नजर आ रहा था डायरेक्टर रवि कुमार ने इस फिल्म के साथ एक ऑर्डिनरी काम किया हुआ है इमोशनल जो सीन्स थे इमोशंस थे वो फिल्म के साथ बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो बालकृष्ण का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी चीजें एक्शन सीक्वेंस वो सभी चीजें बढ़िया थी तो अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या बाला कृष्णा के फैन हो मास फिल्में देखना पसंद है स्टोरी आपको चल जाएगी रूटीन प्रिडिक्टेबल तो ये फिल्म देख सकते हो इस फिल्म को रिलीज किया गया था करीबन 20 दिसंबर 2019 को तेलुगु लैंग्वेज में तो जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को करीबन 424 वोट मिले हुए वो आई पे जिसमें तीन पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे रूरल फिल्म रूरल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे बिलो एवरेज कलेक्शन करके दिखाया अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो तेलुगु वर्जन के जो ओ टी टी राइड्स है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के बीच में देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये फिल्म आपको ऑफिशियली रूलर नाम के साथ जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोल के पास है तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न चैनल गोलमाइंस के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपको इस फिल्म को

वहीं पे यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली गोल्ड के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा जहाँ पे रूलर नाम के साथ इसको इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से रूलर फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो रूलर जो दो की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है के रवि कुमार ने फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लिखे हुए पारचूरी मुरली ने वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर के एस रवि कुमार ने ही दिया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ सी के और हैप्पी मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास पास की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नंद बाला आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे। वहीं पे प्रकाश राज ने वीरेंद्र नाथ टागोर टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है वेदिका ने इस फिल्म में संध्या का रोल प्ले किया हुआ है सोनल चौहान को हारिका का रोल दिया गया था भूमिका चावला आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्र टेगोर की बेटी है वहीं पे जया सुधा ने इस फिल्म में सरोजिनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फाइ फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है सैयाजी सिंधे को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागिन नेहडो ने इस फिल्म में सीता रमैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु मंची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जे की जैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है झांसी ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को भवनी के हैंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड स्कोर दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट से वो आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे पहला गाना है अदुगंदुंगो एक्शन हीरो पडन तो तू तीसरा गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को 2019 में ही रिलीज़ करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ सेकंड और ये गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पे इस फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था बाला कृष्णा और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानी कि कृष्णन एक फेमस आईटी मैग्नेट है जो सरजनी प्रसाद यानी कि जयसुदा के सुधा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उनकी माँ कुछ मैसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशन है उन उसकी वजह से बाद में इन सभी चीजों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फ्रोशियस कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़ चीज़ों के पीछे कौन है ये सभी सवालों के जवाब फिल्म की कहानी सेट की हुई है। फिल्म का जो इंटरवल में का, का जो एक पोस्ट लुक देखने को मिलता है वो फिल्म का एक शानदार किरदार और बिग एसेट था बाला कृष्णा को जिस तरह से इस फिल्म में स्टाइल दिया हुआ अर्जुन प्रसाद के तौर पर वो सभी चीज़ें अच्छी नजर आती है इसके अलावा उन्होंने एक एंग्रिकोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी बालाकृष्णन के जो मास डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया सुधा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास ट्रीट देता हुआ नजर आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिसेंट मिनर में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नज़र आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नजर आ सकता है नेरेशन थोड़ा पुराना नजर आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नज़र आ सकते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज बालाकृष्णन ने पूरी तरह से इस फिल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी तो ये फैन ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी पब्लिक जो बालाकृष्णन को पसंद करती है जो कोई ऑडियंस है जो बाला कृष्णा का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आएगी ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वो काफ़ी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क की था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशंस से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बालाकृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोप ऑप करने की जरूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पे पर कृष्णन ने जिस तरह से एक पोस्ट लुक डिज़ाइन किया हुआ है उनका वो काफ़ी बढ़िया था डिज़ाइनर ने जो कॉप लुक तैयार किया था वो बेटर कर सकते थे वो काफ़ी बेकार नजर आ रहा था डायरेक्टर रवि कुमार ने इस फिल्म के साथ एक ऑर्डिनरी काम किया हुआ है इमोशनल जो सीन्स थे इमोशंस थे वो फिल्म के साथ बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो बाल कृष्ण का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी चीज़ें एक्शन सीक्वेंस वो सभी चीज़ें बढ़िया थी तो ओवरऑल अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या कृष्ण के फैन हो मास फिल्में देखना पसंद है स्टोरी आपको चल जाएगी रूटीन प्रिडिक्टेबल तो ये फिल्म देख सकते हो इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन बीस दिसंबर दो को तेलुगु लैंग्वेज में तो जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया तब एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को करीबन 424 वोट मिले हुए आई पे जिसमें तीन पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे रूरल फिल्म रूरल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक बिलो एवरेज कलेक्शन करके दिखाया अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो तेलुगु वर्जन के जो ओ टी टी राइड्स है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के बीच में देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये फिल्म आपको ऑफिशियली रूलर नाम के साथ जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोल के पास है तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न चैनल गोलमाइंस के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपको इस फिल्म को ऑफिशियली फ्री में रूलर नाम से देख सकते हो हिंदी डब्ड वर्जन में तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि रूलर फिल्म का जो तेलुगु वर्जन है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स प्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन वहीं पे फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स गोल्ड के पास है जहाँ पे ये फिल्म आप टेलीविज़न पे गोल्ड के टेलीविज़न चैनल के ऊपर सेम नाम यानी कि रूलर नाम के साथ हिंदी डब में इन्जॉय कर सकते हो वहीं पे यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली गोल्ड के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा जहाँ पे रूलर नाम के साथ इसको इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से रूलर फिल्म का आप ऑफिशियली जॉ कर सकते हो रूलर जो 2019 की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है के एस रवि कुमार ने फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लिखे हुए पारचूरी मुरली ने वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर के एस रवि कुमार ने ही दिया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ सी के एंटरटेनमेंट्स और हैप्पी मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूज़िक के राइट्स आदित्य म्यूज़िक के पास है वहीं पे इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को 150 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास की देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नंदमु बालाकृष्णन आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे वहीं पे प्रकाश राज ने ने टेगोर का का रोल रोल प्ले प्ले किया हुआ प्ले किया हुआ हुआ है है वेदिका इस फिल्म में संध्या सोनल चौहान को हारिका का रोल दिया गया था भूमिका चावला आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्र नाथ टेगोर की बेटी है वहीं पे जया ने इस फिल्म में सरोजनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फाइव फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है सैयाजी सिंधे को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागिनेडो ने इस फिल्म में सीता रमैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु कारुमंची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जे की जैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है झांसी ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पर रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को भवनी के हैंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपोर्टेंट

साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट से वो आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहां पे पहला गाना है अधगुंगो एक्शन हीरो पडनता गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को दो में ही रिलीज करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ से सेकंड और ये गाने फिलहाल मैं आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पे इस फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था बालाकृष्णा और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानी कि कृष्णन एक फेमस आईटी मैग्नेट है जो सरजनी प्रसाद यानी कि जयसुदा के जयाशुदा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उनकी माँ कुछ मेसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशन है उन उस, उनकी वजह से बाद में इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फिर कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़ भी चीज़ों के पीछे कौन है ये सभी सवालों के जवाब में फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म का जो इंटरवल बैंक क्रिएट किया हुआ है जो इंटरवल पड़ता है वो काफ़ी इंप्रेसिव मैनर में सेट किया हुआ था फर्स्ट हाफ का एंड अच्छे नोट के साथ डायरेक्टर ने किया हुआ था नंदमुरी बाला कृष्णन का जो एक पोस्ट लुक देखने को मिलता है वो फिल्म का एक शानदार किरदार और शानदार बिग एसेट था बालाकृष्णन को जिस तरह से इस फिल्म में स्टाइल दिया हुआ है अर्जुन प्रसाद के तौर पे वो सभी चीज़ें अच्छी नजर आती है इसके अलावा उन्होंने एक एंग्री कोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी बालाकृष्णन के जो मास डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया सुधा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास ट्रीट देता हुआ नजर आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिसेंट मिनर में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नज़र आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नजर आ सकता है नरेशन थोड़ा पुराना नजर आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नज़र आ सकते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज बालाकृष्णन ने पूरी तरह से इस फिल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी तो ये फैन ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी पब्लिक जो बालाकृष्णन को पसंद करती है जो कोई ऑडियंस है जो बाला कृष्णा का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आएगी ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वह काफी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क की था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशन से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बालाकृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोपोप करने की जरूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पे बालाकृष्णा ने जिस तरह से एक पोस्ट लुक डिजाइन किया हुआ है उनका नजर आ रहा था डायरेक्टर रवि कुमार ने इस फिल्म के साथ एक काम किया बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो बाला कृष्णा का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी चीजें एक्शन सीक्वेंस वो सभी चीजें बढ़िया थी तो अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या बाला कृष्णा के फैन हो मास फिल्में देखना पसंद है स्टोरी आपको चल जाएगी रूटीन तो ये फिल्म देख सकते हो इस फिल्म को रिलीज किया गया था करीबन 20 दिसंबर 2019 को तेलुगु लैंग्वेज में तो जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को करीबन 424 वोट मिले हुए वो आई पे जिसमें तीन पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे रूरल फिल्म रूरल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे बिलो एवरेज कलेक्शन करके दिखाया अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो तेलुगु वर्जन के जो ओ टी टी राइड्स है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के बीच में देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये फिल्म आपको ऑफिशियली रूलर नाम के साथ जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोल के पास है तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न चैनल गोलमाइंस के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपको इस फिल्म को

वहीं पे वो यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली गोल्ड के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा जहाँ पे रूलर नाम के साथ इसको इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से रूलर फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर सकते हो रूलर जो दो की तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है के रवि कुमार ने फिल्म का स्टोरी आइडिया और डायलॉग्स लिखे हुए पारचूरी मुरली ने वहीं पे फिल्म का स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर के एस रवि कुमार ने ही दिया हुआ है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सी कल्याण ने जिन्होंने इस फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ सी के एंटरटेनमेंट्स और हैप्पी मूवीज प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स कंपोज किए हुए चिरंतन भट्ट ने जिन्होंने इस फिल्म को टोटल चार गाने दिए हुए म्यूजिक के राइट्स आदित्य म्यूजिक के पास है वहीं पे इस फिल्म का जो एडिटिंग का कमान है वो जॉन अब्राहम ने संभाला हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि ये फिल्म करीबन ढाई घंटे के आसपास पास की देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो राम प्रसाद ने की हुई है फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो नंदमु बालाकृष्णन आपको धर्मा और अर्जुन प्रसाद दो किरदार में देखने को मिलेंगे वहीं पे प्रकाश राज ने ने का का रोल रोल प्ले प्ले किया हुआ प्ले किया हुआ हुआ है है वेदिका इस फिल्म में संध्या सोनल चौहान को हारिका का रोल दिया गया था भूमिका चावला आपको निरंजना प्रसाद के रोल में दिखाई देगी जो वीरेंद्र नाथ टेगोर की बेटी है वहीं पे जया सुधान ने इस फिल्म में सरोजिनी नायडू का रोल प्ले किया हुआ है सताप फाय फिगार ने इस फिल्म में भवनी नाथ टेगोर का रोल प्ले किया हुआ है सैयाजी सिंधे को दुर्गा प्रसाद का रोल दिया गया था नागिनेडो ने इस फिल्म में सीता रमैया का रोल प्ले किया हुआ है चलपति राव ने सुब्बा राव का रोल प्ले किया हुआ है रघु कारुमंची को इस फिल्म में अर्नोल्ड का रोल दिया गया था धनराज ने जेकी चैन का रोल प्ले किया हुआ है श्रीनिवासा रेड्डी ने इस फिल्म में कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है जा झांसी जा ने इस फिल्म में विलेज मेंबर का रोल प्ले किया तो हुआ है वहीं पर रघु बाबू और सप्तगिरी भी आपको कॉमेडियन के तौर पर देखने को मिलेंगे पराग त्यागी को भवनी के हैंचमैन का रोल दिया गया था वहीं पर राजीव कुमार अनेजा ने पुलिस कमिश्नर का रोल प्ले किया हुआ है ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इंपोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक में कंपोजिशन किए हुए चिरंतन भट्ट ने बैकग्राउंड स्कोर दोनों टोटल चार गाने जहां पे म्यूजिक के राइट आदित्य म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए गानों को 2019 में रिकॉर्ड किया गया था जहाँ पे पहला गाना है अदुगंदुंगो एक्शन हीरो पडन तो तू तीसरा गाना है संक्रांति चौथा गाना है याला याला तो ये चार गानों को 2019 में ही रिलीज़ करवाया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा तेलुगु लैंग्वेज में जिनकी टोटल लेंथ है अठारह मिनट नौ सेकंड और ये गाने फिलहाल में आपको वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएंगे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो जुलाई में बैंकॉक में स्टार्ट की गई थी 2019 में ही स्टार्ट की गई थी वहीं पे इस फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल है उसको रामोजी फिल्म सिटी में कंप्लीट करवाया गया था वहीं पे बाद में इस फिल्म को अक्टूबर 2019 तक वो शेड्यूल कंप्लीट करवाया गया था एक गाना पिक्चराइज किया गया था बाला कृष्ण और वेदिका के बीच में जिसको नवंबर में मुनार में शूट किया गया था 2019 में उसके बाद में फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट अनाउंस की गई थी अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर अर्जुन प्रसाद यानि कि कृष्णन एक फेमस आईटी मैग्नेट है जो सरोजनी प्रसाद यानी कि जयसुदा के जहासुदा को लाता है और उसके बाद में वो एक नई ब्रांच शुरू करने का फैसला लेता है जिसका एक प्रेस्टिजियस कंपनी है उत्तर प्रदेश में किसी एक दिन उसे पता चलता है कि सरजनी देवी यानी कि उनकी माँ कुछ मैसिव इंसल्ट होती है उनकी क्योंकि कुछ इविल पॉलिटिशन है उन उस, उनकी वजह से बाद में इन सभी चीजों को सही करने के लिए अर्जुन प्रसाद उत्तर प्रदेश आता है लेकिन वो खुद शोक में चला जाता है क्योंकि बाद में धर्मा उसको बुलाता है जो एक फिर कॉप है अब ये धर्मा कौन है और अर्जुन प्रसाद के साथ उसका क्या लेना देना है इन सभी चीज़ चीजों के पीछे कौन है ये सभी सवालों के जवाब में फिल्म की कहानी सेट की हुई है फिल्म का जो इंटरवल बैंक क्रिएट किया हुआ है जो इंटरवल पड़ता है वो काफी इम्प्रेसिव मैनर में सेट किया हुआ था फर्स्ट हाफ का एंड अच्छे नोट के साथ डायरेक्टर ने किया हुआ था नंदमुरी बाला कृष्णन का जो एक पोस्ट लुक देखने को मिलता है वो फिल्म का एक शानदार किरदार और शानदार बिग एसेट था बालाकृष्णन को जिस तरह से इस फिल्म में स्टाइल दिया हुआ है अर्जुन प्रसाद के तौर पे वो सभी चीजें अच्छी नजर आती है इसके अलावा उन्होंने एक एंग्रिकोप धर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो उनके फैंस को काफ़ी पसंद आएगा वहाँ पे वो काफ़ी इम्प्रेसिव थे भूमिका भुमिक भूमिका को इस फिल्म में की रोल दिया गया था उसमें वो काफ़ी अमेजिंग नज़र आ रही थी और उनकी स्टोरी जिस तरह से लिंक की गई थी उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से सेट किया हुआ था वहाँ पर कुछ इमोशनल सीन्स थे उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही थी फार्मर का जो ट्रैक दिखाया हुआ है उसकी जो प्रोसीडिंग थी वो बढ़िया थी बालाकृष्णन के जो मास डायलॉग्स है उसको अच्छी तरह से लिखा हुआ है प्रकाश राज को एक अच्छा रोल दिया गया था वहीं पे जया सुधा ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया हुआ है सोनल चौहान काफ़ी ब्यूटीफुल नजर आ रही थी और उन्होंने कुछ आई कैंडी सीन्स प्रोवाइड किए हुए उनका ग्लैमर फिल्म को एक मास ट्रीट देता हुआ नजर आता है वेदिका ने भी अपने रोल को डिसेंट मिनर में हैंडल किया हुआ है बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बढ़िया नज़र आ रही थी इस फिल्म की एक प्रॉब्लम है कि फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल नजर आ सकता है नरेशन थोड़ा पुराना नजर आ सकता है कुछ अननेसेसरी सीन्स नज़र आ सकते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको थोड़ी खल सकती है अदरवाइज बालाकृष्णन ने पूरी तरह से इस फिल्म को हैंडल करने की कोशिश की हुई थी तो ये फैन ये फिल्म कोई मास ऑडियंस या कोई ऐसी पब्लिक जो बालाकृष्णन को पसंद करती है जो कोई ऑडियंस है जो बालाकृष्णन का फैन है या तो मास फिल्मों का फैन है उनको ये फिल्म पसंद आएगी ओवरऑल बाकी सभी ऑडियंस शायद थोड़ी डिसअपॉइंट हो सकती है अब बात करें कैमरा वर्क की तो वह काफी बढ़िया था फिल्म का मेजर वन ऑफ द हाईलाइट पॉइंट कैमरा वर्क की था जिस तरह से जो सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है वो बढ़िया है रस्टिक लोकेशन से जो उत्तर प्रदेश के जिस तरह से बालाकृष्णन के किरदार को शोकेस किया हुआ था जो एक्शन सीक्वेंस थे जिसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिखाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट में चिरंतन भट्ट ने ठीक ठाक काम किया हुआ है गाने कुछ अच्छे थे कुछ ठीक ठाक थे एडिटिंग फिल्म की ठीक ठाक थी उसको बेटर की जा सकती थी कुछ सिनेमेटिक सीन्स थे उसको चोप करने की ज़रूरत थी क्योंकि फिल्म क्रिस्प हो सकती थी प्रोडक्शन वैल्यू टॉप नॉच नजर आएगी वहीं पे बाला ने जिस तरह से एक पोस्ट लुक डिजाइन किया हुआ है उनका नजर आ रहा था डायरेक्टर रवि कुमार ने इस फिल्म के साथ, साथ बेहतर वे में वर्क नहीं करते लेकिन जो बालाकृष्ण का किरदार है उसमें जो एक मास लुक था मास डायलॉग थे वो सभी चीजें एक्शन सिक्वेंस वो सभी चीजें बढ़िया थी तो अगर आप टिपिकल मास ड्रामा फिल्म देखना चाहते हो या बाला कृष्णा के फैन हो मास फिल्में देखना पसंद है स्टोरी आपको चल जाएगी रूटीन प्रिडिक्टेबल तो ये फिल्म देख सकते हो इस फिल्म को रिलीज किया गया था करीबन 20 दिसंबर 2019 को तेलुगु लैंग्वेज में तो जब इस फिल्म को रिलीज किया गया तब एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला हुआ था बॉक्स ऑफिस पे फिल्म को करीबन 424 वोट मिले हुए आई पे जिसमें तीन पॉइंट चार की रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहाँ पे रूरल फिल्म रूरल फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे बिलो एवरेज कलेक्शन करके दिखाया अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो तेलुगू वर्जन के जो ओ टी टी राइड्स है वो आपको जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के बीच में देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये फिल्म आपको ऑफिशियली रूलर नाम के साथ जियो सिनेमा सन नेक्स्ट और एम एक्स फ्लेयर के ऊपर देखने को मिलेगी जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लगेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल इस फिल्म को तेलुगू वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे वहीं पर हिंदी वर्जन के राइट्स है वो गोल के पास है तो ये फिल्म आपको यूट्यूब पे गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी वहीं पे टेलीविज़न चैनल गोलमाइंस के ही टेलीविज़न चैनल के ऊपर आपको इस फिल्म को

वहीं पर यूट्यूब पे इस फिल्म को ऑफिशियली गोल्ड के ही यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रीमियर करवाया जाएगा जहाँ पे रूलर नाम के साथ इसको इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से रूलर फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर सकते हो तो बस गायस इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है फिल्म कहाँ पर कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दी दी है फिल्म का एक डीप रिव्यू हो चुका है जहाँ पे मैंने कहानी के ऊपर एक एक्सप्लेनेशन कंडीशन एनालिसिस किए हुई है स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस इसके बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक डीप जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू